खत्म हो जाए बिकॉज इट्स ओह वाह लता ना ना एनो के ना सबको पता है काफी दिन से बिफोर आई जॉइन द टीम बट एनीवे वन सेकंड लेट मी टेल यू नाउ इन केस आपको आगे कहीं पर भी कोई अगर इशू नजर आ जाता है अप टू कैंप 1 और कैंप 3 या कैंप 2 के बीच में भी आपको कॉल लेना है। ऐसा ना हो कि एक छोटी सी छोटी मिस्टेक आप करने के बाद आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आए। अगर किसी को भी इशू आ जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि किसी का एज अगर ज़्यादा है उसको इशू आ सकता है, किसी की एज कम है उसको नहीं आ सकता। इट्स ऑल अबाउट एक्लोमेटाइजेशन। अगर आपकी एक्लोमेटाइजेशन में कोई इशू रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको रास्ते में आ जाता है, प्लीज़ आप वहाँ से वापस आ जाइए, आगे मत बढ़िए, ट्रैकअप दोबारा कर सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hey guys, good morning. Actual trekking this trekking day start हो गया है। अभी बज रहे हैं 8:30 और आज डेट क्या है, डेट भी यहाँ पता नहीं चलता। 27 जुलाई ट्रैक स्टार्ट हो गया है, निकल गए हम लोग फ्लैग ऑफ सेरेमनी। देखते हैं अभी आगे, आपको और व्यूज दिखेंगे और रूट दिखाएंगे, बहुत मज़ा होगा। जितना हो सकता है मैं रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगा। मिले सर अंकित मेरे पीछे ही है, देखते हैं। वेदर क्लियर है आज, थोड़े बादल है कुछ साइड, लेट्स सी। हाँ, ये हमारा फर्स्ट रेस्ट स्टॉप आ गया, टेबल टॉप बोलते हैं इसको। कुछ 3 किलोमीटर का ट्रैक हो गया, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा व्यू है। एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि अभी आगे 6 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग बहुत कम करना पड़ेगा। जब जब अच्छा व्यू आएगा, कुछ अच्छा टेरेन आएगा, माउंटेन्स आएंगे, तब वो रिकॉर्ड करूँगा। बाकी पूरा रूट रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो 1-2 दिन में बैटरी सारी ख़त्म हो जाएगी। जब जब रेस्ट लूँगा या कुछ रिकॉर्ड करने जैसा आएगा तब वो बताऊँगा। सब अभी रेस्ट कर रहे हैं, दिखाता हूँ। अभी हम सेकंड टेबल टॉप पे पहुंच रहे हैं, बहुत क्लाइंबिंग है, थक गए एकदम। दिख रहा है पूरा चढ़ के अगर पहुंचेंगे तो ये सेकंड टेबल टॉप आएगा। धूप भी बहुत हार्श हो रखी है, बहुत धूप है, ऊपर से इतना चढ़ान। पर मैं सुना 12-1 के बाद धूप कम लगेगी, ठंडा होगा मौसम। हाय, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अभी एनर्जी वापस आया। यह है टेबल टॉप, ये हमारे ग्रुप लीडर वीरेन बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। हाउ इज एवरीवन? एवरीवन गुड अंडर योर लीडरशिप। थैंक यू। अभी चढ़ रहे हैं, कोई जो झाड़ तक जाना है। फर्स्ट
सेकंड टेबल टॉप। यहाँ पे अच्छा खासा रेस्ट किया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना था ऑफिशियल्स को देना था वो दिया। अब यहाँ से पता नहीं ब्लैक आ रहा है किधर है सर, एकदम सर पे ही है। हाँ इधर ही हो, हाँ वही ऐसा करना पड़ेगा। हाँ अभी दिख रहा रहेगा, अभी दिख रहा है या, 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 या। तो मैं खुद को दिखा के क्या करूँ। एक यहाँ पे मस्त पहाड़ी घर दिख रहे हैं, माउंटेन्स पे बनाए हुए हैं। ये पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, नोटिस करेंगे। बहुत सही है, यस डेफिनेटली। अंकित ने कुछ पहली बार फतेह की बात बोली है, कैमरा कांट डू जस्टिस। इसका DSLR खराब हो गया है। हेलो, हाँ और आप देख सकते हैं अंकित यहाँ पे फर्स्ट ट्रैक पे बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग कर रहा है। थैंक्स, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अंकित उर्फ भाई और ये रोहित तुम्हारा होस्ट एंड द घोस्ट। थोड़ा सैड हो गया, थोड़ा इमोशनल हो गया, इसलिए गाना सुन रहा है। ये उसकी गर्लफ्रेंड की याद है, नीलेश का डिमांड था अगर लोगों को जानना है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, एक्स गर्लफ्रेंड की याद, एक्स गर्लफ्रेंड की जो उसको धोखा दे के चले गए। ये गाना नीलेश की फरमाइश थी, तो इसके लिए नीलेश ने अपना हॉटस्पॉट चालू करके बजाया। फोन में बज रहा है रोहित के, कैसे पता है मेरा फोन है, ये तेरा फोन भी हो सकता है। ठीक है आप गैस कर लो, ऑडियंस गैस कर लो, जो करना है कर लो। दिलदार आशिक, दर्द भरा आशिक। हम लोग इधर अभी कैंटीन पे पहुँचे, छोटा रेस्ट सब लोग मिलने के लिए, सो दैट सब लोग यहाँ पे वापस एक साथ आ जाए, फिर एक साथ आगे यहाँ से साथ में निकले। आगे एक्चुअली जंगल है, इसके लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं सबका। एक बार सब लोग साथ में आ जाएंगे तो फिर साथ में निकलेंगे। ये मैंने सनस्क्रीन लगाया है। ये हमारा गाइड सर है, सब लोग आराम कर रहे हैं। ये कैंटीन है, ये हमारे केरला के फ्रेंड्स। हाँ ये एक जंगल वाला पैच आया है, थोड़ा छाव मिला है एंड फ्लैट रोड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी हमारा लंच पॉइंट आने वाला है। नदी का आवाज़ आ रहा है, नदी पता नहीं कैमरा रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं, बट एक बात तो सच है, ये सब जगह को कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और ये सब जगह पे आने के लिए, फील करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करके आना पड़ेगा। एक मैंने लास्ट ट्रैक में भी बोला था, द बेस्ट व्यू कम्स फ्रॉम द हार्डेस्ट क्लाइम, वही बात है। मस्त जंगल वाला ट्रेल है, नदी के बाजू में बैठ के लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर पहुंचेंगे हमारे फर्स्ट कैंप जो है निचनाई कैंप। देखते हैं, अभी तक तो मैनेज हो रहा है, थक तो गए हैं ऑब्वियसली, कैंप पे पहुंच के तो बहुत आराम करेंगे फिर।
देना पड़ रहा है। पासिंग है उनको, प्रायोरिटी है इधर। ऐसा लग रहा है 10 साल से चल ही रहा हूँ, चलते ही जा रहा हूँ, रास्ता ही खत्म नहीं हुआ है। पब्लिक, हम लोग हैं अभी लंच पॉइंट पे, सब फट गई है। जैसे पिछले ब्लॉग में बोला था फट के 75 हो गया पूरा, खाना वीना खा लिया, नदी का आवाज़ तो सुनाई दे ही रहा होगा, शायद मेरा आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा पर नदी का आवाज़ आ रहा होगा। मेरा आवाज़ नहीं। अंकित कुछ तो बोला, उसके पेट निकाल के सोया है वो बरोबर। ये लोकेशन है, हम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं, अभी आराम कर रहा है। हाय गाइस, ये आज के दिन का फाइनल रिकॉर्डिंग है। फाइनली हम लोग पहुंच गए बेस नेक्स्ट हायर कैंप निचनाई कैंप में। चाय वगैरह नाश्ता वगैरह हो गया, अभी मस्त यहाँ पे एनवायरनमेंट हुआ है, सब लोग चिल मार रहे हैं। तो दिखा तो बेस कैंप का व्यू, सॉरी मैं बार बार बेस कैंप बोल रहा हूँ, बेस कैंप नहीं हायर कैंप, फर्स्ट हायर कैंप निचनाई हायर कैंप। अच्छा ठंडा है अभी यहाँ पे, एकदम ठंडी नहीं है, एक जैकेट काम कर देगा। मैं दिखाता हूँ ये कैंप, इसके बाद शायद आज का व्लॉग एंड करेंगे और फिर इसके बाद क्या रात का डिनर होगा और सोचेंगे नेक्स्ट डे वापस शुरू। ये मेरा लाइफ का सबसे हाईएस्ट ट्रैकिंग टाइम था, ऑलमोस्ट 9 to 10 hours ट्रैक किया, डिस्टेंस भी कुछ 16 to 18 kilometers था। बट ऑफकोर्स कश्मीर है, इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ, तो ये ब्यूटीफुल ही था, सब मस्त था, मज़ा आया। आपको कैंप दिखाता हूँ सर, एक्चुअली आइसोलेशन का टेंट है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ये सब टेंट है, ये सब टेंट जहाँ पे अंदर रहेंगे, पब्लिक है, चिल मार रही है। नज़ारा देखो, नज़ारा और ये हमारा टेंट है, अभी सामान सब फैला हुआ है, बट इधर ही दिन निकलेगा, रात निकलेगा, इधर ही सोना है हमको। ये हमारा टेंट है, तो चलो आज के लिए बाय बाय, आज के लिए साइन ऑफ, आज का दिन इधर ही, व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, कल वापस नए से शुरू करेंगे। जैसे मैंने बोला था बैटरी लो है, बैटरी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा कम ही रिकॉर्डिंग करेंगे।